साहिब। जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब आदमी रह गया। महात्मा जी वापस आए थोड़ी देर बाद, बोला भाई कहाँ गए चेले पूरे? और बोला महाराज आप तो हकीकत जानते हैं सब कुछ, कब गए? बोला फलाना फलाना तो आपके ऊपर जाते ही चला गया, फलाना फलाना 5 मिनट बाद गया, और फलाना फलाना 1.5 घंटे बाद गया। बोला तू क्यों नहीं गया? बोला गुरु जी हमें क्या लेना। बोला ठीक है बेटे, इसलिए ये वेश्या पुराने जन्म में बड़ी भक्त थी, मुझे पुराना जीवन याद है, इसने गलती की, वेश्या के तन में आई, इस बार मालिक की का हुक्म हुआ जाओ इसको तारो, इसकी गलती हुई थी, इसने सजा भोग ली है, इसका टाइम हुआ, इसको दीक्षा दो अपने मुकाम पर लगाओ। इसलिए बेटा थोड़ा टाइम लग गया मुझे उसे समझाने अपजाने में। तो भैया दुनिया कुछ तो महापुरुषों के साथ इसलिए लगती है कि हमें बड़ा भगत मान करके नमस्कार दुआ बंदगी करेंगे। वाह वाह साहब ने इस बात की खबर पूरी पूरी ली है। दिलांग मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी, कहे कभी आसमान फटा है क्यों कर सी ये दर्जी। अजी वो मुझे कह रहा था प्रूफ करो, आप कह रहे हैं जो चीज़ मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। अगर मैं उसको ये कहना था, सच तो ये है कि मैं कहता हूँ जो चीज़ मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। नाम के बाद आपको लगेगा आपके साथ में एक बहुत बड़ी ताकत होगी, पर यह मेरा शब्द वैसे ही लगना था जैसे चांद में गुरु जी नजर आ रहा, इसलिए मैंने उसको कहा भाई बात सुनो, मैं प्रूफ दे रहा हूँ ध्यान से सुनना। इस दुनिया के अंदर जितनी भी सत्ताएँ, जितने भी मत मतांतर, जितने भी पंथ, जितने भी रास्ते हैं, सब परमात्मा की बात कर रहे हैं। मैं अलग हट के बोल रहा हूँ, तुम समझो, तुम खुद देखना, मेरा लिटरेचर पढ़ो, स्टडी करो। मैं ग्यारहवें दरवाजे की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी नहीं बोला। दुनिया कह रही है निराकार तक की भक्ति, और हम कह रहे हैं काल निरंजन सबे नचाए, नाम होए तो माद नवाए। साहेब ने वाणी में बोला, हम बोल रहे हैं कि भाई ब्रह्मादि शिव संकादि अजसुर काल के गुण गावे, जो काल जीवन को सदा वितास भक्ति जड़ावे। सभी कह रहे हैं ये दुनिया परमात्मा के कृपा और सानिध्य में चल रही है, हम कह रहे हैं शैतानी ताकत के द्वारा दुनिया चल रही है। सयाद के काबू में सब जीव बिचारे, ये पूरी दुनिया शैतानी ताकतों के हाथ में है। 3 लोक में यम का राज, आप देखो कभी कभी बाबा जी सत्संग करते करते भैरव जी की गाथा गाता है, वहां से छलांग लगाकर भैरवी जी के पास पहुंच जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा बाबा जी भक्त किसका है। साहब ने वाणी में साफ साफ कह दिया, मैं कहा आप चेक करना, बिल्कुल हम अपनी परे हट करके हम बोल रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो चीज़ जो आराधना है दुनिया में कहीं नहीं, उसको मैंने कन्विंस किया। आप देखें, आप अनुभव करेंगे, आप मुझे सुन भी रहे होंगे, जो मेरे पास आ रहे हैं मुझे सुन रहे हैं काफ़ी टाइम से, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे अपने अपनी भक्ति में लोगों को लाने में डिफिकल्टी होगी। कोई भी आदमी अपनी लकीर का ढर्रा छोड़ना नहीं चाहता है, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है। सहज जन जानो साईं की रीत, मैंने कहा आप खुद देख लें भाई, हम 11वें दरवाजे की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये पूरी दुनिया शैतानी ताकत के हाथ में है, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। मैंने कई बार एक एग्जाम्पल दिया, राष्ट्रपति रीगन के पीए एलेक्जेंडर ने एक वाक्य कहा था जो वर्ष का महावाक्य कहलाया, वो कह रहे हैं मुझे यूं लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं, उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है जब भी चाहे हम सबसे जो भी चाहे करवा सकती है, उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है एक साथ हम सब दुनिया में रहने वाले लोगों के ब्रेन को डाइवर्ट कर सकती हैं, उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है
जहां भी चाहे जो कुछ भी चाहे हमसे करवा सकती है। मुझे यूं लगता है वर्तमान में वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले चल रही है। वाह भाई, बहुत ऊंचा वाक्य कहा, ये वर्ष का महान वाक्य कहलाया। साहब ने 600 साल पहले कह दिया, सयाद के काबू में सब जीव बिचारे, जाका ये जग भक्ति कराई, अंतकाल सोई धर खाई। वाह भाई वाह, साहब कह रहे हैं अंतकाल में वही खा जाता है जिसकी ये भक्ति कर रहे हैं। गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवा सब ये करें काल की सेवा, जो रख सकते हैं चिन्हत नाए, जो बख सकते हैं ध्यान लगाई। मैंने कहा भाई देखो, इसलिए हम डिफरेंट बात कर रहे हैं, खुद चिंतन करना, कन्विंस किया उसने, स्वीकार किया उसने। तीसरी बात वो बोल रहे हैं, मुझे ये प्रूफ करो गुरुजी आप कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, गुरुजी पार कर देगा। यही तो संत आइडियोलॉजी है। उसका तीसरा शंका ये थी, सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोए, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, कोटि जन्म का पंथ था गुरुपल में दे लखाए, ये सब साधन से हो नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। धर्मदास जी ने भी साहब से एक प्रार्थना की, मैंने उस आदमी को कन्विंस किया, आप मानेंगे थोड़े दिन बाद वो जलंधर में आया, 25 अगस्त, इसी पिछली 25 अगस्त को उसने दीक्षा ली, आया था ना भैया, वो आया उसने दीक्षा ली। सुनिए, अब हम देखते हैं कि क्या यथार्थ में ये पूरा ब्रह्मांड कालपुरुष की भक्ति करा, यही तो महापुरुषों ने आकर कहा और ये स्टार्ट साहब ने की। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं ये सब साधन से ना हुई तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, एक सदगुरु आपको पार कर देगा। धर्मदास जी ने सवाल किया, कोई योग कोई ज्ञान बताए, भव सागर ये अगम अपारा, तामे भूल गए संसारा, पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई था ना पाए। हे साहब मैं तुम्हारे शरण हूं, मुझे बताओ आत्मकल्याण के लिए कौन सा रास्ता उपयुक्त है, क्योंकि कोई कहे तप आदिना, कोई कहे योग कर लीना, कोई कहे नित्यनेम, कोई कह रहे हैं पाठ करने से, कोई कहे कर्म आधीना, कोई कह रहे हैं शुभ कर्म कर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे, कोई कहे सन्यासी हो जाओ। हे सदगुरु प्रार्थना है इस संसार सागर से पार होने का सूत्र क्या है, मैं आपके शरणागत हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, हे कृपा निदान कृपा करके वही रास्ता बता जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो, करनी योग रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवासा। कुछ कह रहे हैं सेवा कर कर्म कर दान पुण्य कर पार हो जाओगे, कुछ कह रहे हैं गुरु पार करेगा, आखिर हे कृपा निदान इस भवसागर से पार होने का सूत्र क्या है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कृपा करके बताओ। साहब ने एक ही शब्द बोल दिया बड़ा जोरदार, जो प्रतीत होए मन तोरा, भाव को मेट शरण है मोरा, सुरत बांध जब गुरे समावे, वस्तु अगोचर तब ही पाए। हे धर्मदास तुझे अगर यकीन है मेरी शरणागत हो जा, मुझ में समा। वाह भाई वाह, अगर हम गीता को उठाते हैं तो एक रहस्य मिलता है। वासुदेव कृष्ण साफ कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन जो पितरों की भक्ति करता है पितृलोक को प्राप्त होता है, जो देवताओं की भक्ति करता है मरणोपरांत देवलोक को प्राप्त होता है, जो प्रेतों की भक्ति करता है मरने के बाद प्रेतलोक की प्राप्ति करता है, इसलिए हे अर्जुन तू केवल मुझे भज। वाणी कह रही है पार कर देगा, क्या हम कुछ भी नहीं करें तो भी पार कर देगा। कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने मुझे हूट करते हुए कहा, भाई आजकल लोग कह रहे हैं ये सदगुरु पार कर देगा, हम कह रहे हैं भाई ये फलाना मंत्र कहो तब पार होंगे, फलाना नाम करो तब पार होंगे, ये कैसे लोग हैं जो कह रहे हैं गुरु पार कर देगा, मेरी समझ से बाहर है ये बात। मेरा जवाब है भाई ये फार्मूला आपको आता ही नहीं है तो समझ से तो बाहर है ही है, ये फार्मूला बड़ा रहस्यमय है। मैं गवाही देता हूं, गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान शीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, एक अदद गुरु एक पूर्ण सदगुरु उसके पास पारस श्रुति है, कोटि जन्म का पंथ था गुरु पल में दे लगाए आपको बदल देगा।
गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को, कर ले आप समान। स्पिरिचुअल जिनिज्म का पावर होता है एक सदगुरु में, पारस्वरती है उसकी, क्योंकि परम पुरुष में मिल चुका है। इसलिए सतपुरुष को जानसी तिसका सदगुरु नाम, उसके पास यथार्थ आपको बदल देगा। साहब ऐसे ही नहीं करें, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। वाह, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को, कर ले आप समान। अगर जेनिसिज्म को हम ठीक से देखें, हालांकि जर्मन के एक माली ने जेनिसिज्म स्टार्ट किया, का नॉलेज दिया दुनिया को, अगर हम देखें ये पहले भी है, भ्रंगा जेनिसिज्म की प्रतिमूर्ति है दुनिया में, सबकी मेल फीमेल एक भ्रंगा, ओनली सिंगल मेल, उसकी फीमेल नहीं, खच्चर जैसे मेल फीमेल नहीं, ओनली खच्चर, पर जनरेशन नहीं है, खचरी होती नहीं है, खच्चर भाई खच्चर, वो मैल ही मैल है, खचरी नहीं है। हुआ क्या, घोड़ी को गधी से क्रॉस किया गया, खच्चर जी पैदा हो गया, इसकी जरूरत क्या पड़ गई भाई। ऐसा है, मैंने पहले भी एक बात कही कि लोगों का ये मानना है जर्सी गाय को सुअर से क्रॉस किया गया है इसलिए उसके पास दूध ज़्यादा है, पर अगर हम गौर करके देखें तो सही में जर्सी गाय की कुछ शक्ल सूरत, कुछ बोली वाणी, कद काठी मिल रही है सुअर से, वजन है बाद में मिल रही है, उसका बोलना भी वैसा ही है। हमारी देसी गाय रंभाती है वो नहीं, वो ही साउंड निकलती है। पीठ भी अगर आप देखें तो जर्सी गाय के काफ़ी गुण सुअर से मिल रहे हैं, जो हमारी देसी गायें हैं उन अलग हैं। इसलिए कुछ पंथ मत मतांतर के लोग वर्जित कर रहे हैं, कह रहे हैं ये भाई सुअर से क्रॉस ब्रीड की गई है, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी, सुअर ही के पास बड़ा दूध है, दस दस बारह बारह पिलूडू देती है, रज कर दूध पिलाती है, सुअर के थनों में दूध ही दूध है, यानी शरीर में सिस्टम ऐसा है। इसलिए महत्वाकांक्षी लोगों ने जेनिसिज्म द्वारा सुअर से गाय क्रॉस कराई और उसके जीन शरीर में स्थापित कर दिए, गाय में वो चीज़ आ गई और वो फ्रिजियन बन गई, इंजेक्शन दी, ये जेनिसिज्म। इसी तरह भाई घोड़ी को गधे से क्रॉस कर दिया, खच्चर जी पैदा हो गया, ज़रूरत क्या पड़ी खच्चर की, ज़रूरत क्या पड़ी गाय को क्रॉस कराने की सुअर से, दूध अधिक चाहिए, ज़रूरत क्या पड़ी घोड़ी को गधे से क्रॉस करने की, ज़रूरत पड़ी खच्चर की, ज़रूरत है, क्या ज़रूरत पड़ी भाई, गधा बड़ा वज़न उठाता है उसमें वज़न उठाने की ताकत है, घोड़ा दौड़ता है पर घोड़े में वजन उठाने की कुव्वत इतनी नहीं है। अब घोड़ी प्लस गधा इक्वल खच्चर, वाह भाभी खच्चर आ गया, उसमें घोड़े के गुण भी हैं, काठी कद काठी घोड़े जैसी है, लंबा चौड़ा है, और गधे के भी लक्षण है, वजन उठा लेता है, खच्चर कहते नहीं क्या, खच्चर की तरह समझ रखा है वजन उठाना है, या गधे की तरह समझ रखा है, गधे की तरह वजन लादे जा रहे हो, कोई कहता है घोड़े की तरह वजन लाद रहे हो, नहीं, घोड़े में वजन उठाने की क्षमता नहीं तोड़ने की है, पर अब देखो कद काठी से लंबा हुआ, फिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, गधे से ही क्यों नहीं काम चलाया, वो वजन उठाता चलता। इसलिए कि भाई दूर दराज कई फौजियों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, राशन उठा के जंगलों में पहाड़ों में जाना, गधे टकराता जाएगा, वहाँ खच्चर की आवश्यकता पड़ गई, संकरे रास्ते हैं, थोड़ा ऊँचा है, बीहड़ है, तो इसलिए उनको खच्चर की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए क्रॉस ब्रीड किया, वाह भाई वाह जेनिसिज्म। पर खच्चर की खच्चरी नहीं है, एक और फायदा है भाई, घोड़ी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, फौजियों के लिए घोड़ी काबिल नहीं है, घोड़ा भी काबिल नहीं है, अब वो भग जाते हैं जब मौसम में आ जाते हैं, घोड़ी भग जाती है घोड़े की तलाश में, खच्चर नहीं भगता, वजन उठाते जाता है उठाते जाता है, और उसके पास जनरेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है, वाह भाई वाह। ऐसा ही है भ्रंगा,
बड़ा गजब का जीव है, मैल मैल है खच्चर की तरह, लेकिन क्या वो खच्चर है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत उत्तम जीव माना गया। वो जनरेशन करता है बड़ी गजब की, कीट कीड़ों को पकड़कर साउंडिंग से जेनेसिज्म। वाह, ये साउंड जेनेसिज्म, जेनेटिक एक्शन बाय साउंड। वाह, साउंड से कीड़े को अपनी तरह बना देता है, ये उसके पास कला है। और टाइम सेकंड लगाता है, आज तक ये काम कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाया, ये भृंगा करता है, उसके पास सिस्टम है। हाँ, वैज्ञानिक लोग टाइम लगाएंगे, क्लोन्स पैदा कर रहे हैं, पर बड़ा लंबा टाइम ले लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, क्लोन्स बना रहे हैं। अभी तो वैज्ञानिकों ने यह भी कह दिया है, अच्छी तरक्की कर रहे हैं, बड़ी अच्छी, ठीक है। वो कह रहे हैं हमने जो टैलेंट जीन है उनको ढूंढ लिया, अकलमंद जो जीन है उनको ढूंढ लिया है। आदमी अकलमंद क्यों है, हमने ढूंढ लिया है। वो जो अकल वाले जीन है वो हमने उनकी खोज कर ली है। 50 साल बाद दुनिया में कोई भी बेवकूफ नहीं होगा, भाई वैज्ञानिकों ने कहा, उन्होंने ढूंढ लिए होंगे। बोला हम जिसमें कम अकल है जीन उसमें रोपित कर देंगे, अब फ्यूचर में धरती पर कोई भी कम अकलमंद जीन नहीं हो, आदमी नहीं होगा। इधर हमारा धर्म कह रहा है कर्मानुकूल बुद्धि पैदा होती है, तो इसका मतलब है ये सिस्टम फेल हो जाएगा। नहीं, मैं बताता हूँ क्या होगा। वैज्ञानिक लोग चाहे कितना जोर लगाएं, ऐसा कर लेंगे, हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। बताता हूँ क्यों, पहले बता रहा हूँ फेल होंगे, क्यों होंगे सुनो। वो क्या करेंगे, इंटेलिजेंट जीन जो है वो आदमी में आरोपित कर देंगे, आदमी इंटेलिजेंट हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद जो आपके बेसिक जीन है, नेचुरल जीन है, वो उनको नहीं पनपने देंगे, उनको मार देंगे और आदमी उसी पॉइंट पर आ जाएगा जहाँ था। एग्जाम्पल प्रूफ दे रहा हूँ, कभी कभी हम कलमी आंवले बनाते, कलमी आम, ठीक है, वो देसी को ही प्यून करके क्रॉस किया और बना दिया, वो थोड़े दिन आंवला बड़ा रहता है, धीरे धीरे 2-4-10-15 साल के बाद में धीरे धीरे आंवला छोटा होना लग जाता है, वो देसी की लेवल पर फिर आ जाता है। क्योंकि जो नकली जीन हमने रोपित किए उनको ओरिजिनल जीनों ने टिकने नहीं दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, आंवला फिर उतना ही उतना होने लग गया। मैंने एक्सपेरिमेंटल किया, आंवला फिर उतना ही होने लग गया। इस तरह बेवकूफ को ही अकलमंद तो बना देंगे, थोड़े दिन रहेगा अकलमंद, धीरे धीरे जो उनके बेसिक जीन है, नेचुरल जीन है, जो शरीर में जीन थे ब्रेन के, वो जो दूसरे रोपित किए हुए जीन है उनकी धीरे धीरे फाइटिंग चलती रहेगी, खबर लेते जाएंगे, एक दिन उनको टोटली न्यूट्रल और डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, बंदा वही का वही बुद्धू का पुत्र फिर लगेगा। इसलिए वाह भाई वाह, तो इसका मतलब है जो आर्टिफिशियल जेनेसिज्म है सक्सेस नहीं है, लेकिन जो वो भृंगे वाला जेनेसिज्म है बड़ा जोरदार है। वो कीड़े को जो कीट बनाया भृंग, वो दोबारा कीड़ा नहीं बन सकता है, गजब का जेनेसिज्म है, बहुत जोरदार है। इसलिए साहब ने भृंग की बात कही, यही बात है गुरु में भी है, सदगुरु में है, साहब बोल रहे हैं। मैंने उसे समझाया, उसकी तीसरी शंका का निदान किया, सेटिस्फाई किया, आधा घंटा उसकी मेरी मोबाइल पर बात हुई है। वाह भाई वाह, वो भृंगा जो जेनेसिज्म जेनेटिक एक्शन किया वो फेल्योर नहीं होने वाला, मैं आपको दावे से बता रहा हूं। वैज्ञानिकों का वो जेनेसिज्म फेल हो जाएगा, वो जो लोगों में इंटेलिजेंट जीनों का रोपण करेंगे 10-5 साल बाद फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक जीन हमारे शरीर के अंदर नेचुरल है उनकी उनसी फाइटिंग चलती रहेगी, वो डिस्ट्रॉयड नहीं होंगे, उन्हीं पर तो उनको सवार किया गया ना, धीरे धीरे उनको वो उतार के फेंकते जाएंगे। आदमी वही हो जाएगा जो प्रासंगिक और नेचुरल था। लेकिन क्या गजब का जेनेसिज्म, क्या जेनेटिक एक्शन है भृंगे का, वो कीड़े को पकड़ करके भृंगा बनाता है, दोबारा वो कीड़ा नहीं हो सकता। संगी